नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार बीएड एडमिशन 2023 के कॉलेज फीस के बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको कमेंट करके बोल रहे हैं कि किस कॉलेज कि का कितना फीस लगता है और प्राइवेट कॉलेज का कितना फ़ीस लगता है गवर्नमेंट कॉलेज का कितना लगता है और सेमी गवर्नमेंट का कितना फ़ीस लगता है और किस कॉलेज में कितना फ़ीस है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग का जितना भी डाउट है इस वीडियो में आप लोग का डाउट जो है क्लियर करने वाले हैं हम तो वीडियो का थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग को जो है बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में किस कॉलेज में कितना फ़ीस लगता है और क्या कैटेगरी है और मतलब किस कैटेगरी का कितना सीट है और आपका जो है किस कैटेगरी से है तो कितना फीस लगेगा आज की इस वीडियो में पूरे डाउट जो है आप लोग का क्लियर करने वाला है तो वीडियो का थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो का इन तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बी का जो इंट्रेंस एग्जाम वो खत्म हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है और जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया था और रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुका है और कल यानी कि नौ मई का जो है यहाँ पर जो है डेट आने वाला है काउंसलिंग का यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर आने वाला है उसमें कितना नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा तो वो भी मतलब कि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हो कि आपका कितना कितना नंबर है कितना से एम रैंक पे है तो आपका कौ, कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है वो भी डाउट आपका क्लियर करने वाला सबसे पहले कॉलेज फीस और कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिस्ट यहाँ पर मैंने निकाल के यहाँ पर रखा है तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है मिर्जा गलीब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पर है और ये जो है जानीपुर पटना में है इसका जो बात किया जाए तो फीस का बात किया जाए तो यहाँ देख सकते है। या हैं यहाँ पर पचहत्तर हज़ार यहाँ फर्स्ट ईयर का यानी कि आपका जो सेमेस्टर दूसरे ईयर का होता है उसमें लगभग डेढ़ लाख रुपया इसमें लगने वाला है ये प्राइवेट कॉलेज का है और इस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है यहाँ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर यानी यानी कि फ़ोन नंबर दिया गया और वेबसाइट भी यहाँ जिस कॉलेज का है यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है तो इसके जरिए आप लोग जाकर संपर्क कर सकते हैं उसके बाद चलिए नीचे में यहाँ पर चलते हैं तो देखिएगा है इस्लामिया यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग बी कॉलेज ईसापुर यहाँ पर रोड पुलबाड़ी शरीफ पटना इसमें ये भी जो है प्राइवेट कॉलेज है और इसका भी यहाँ देख सकते हैं तो यानी कि एयर का यहाँ पर पचहत्तर हज़ार यानी कि डेढ़ लाख रुपये यानी कि लगभग मानिए तो प्राइवेट कॉलेज का सभी कॉलेज में जो है एक लाख चालीस हज़ार से लेकर पचास हज़ार साठ हज़ार के लगभग में प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर लगता है उसके बाद अर्ध सरकारी कॉलेज का बात किया जाए तो अर्ध सरकारी कॉलेज का जो है वही उसमें से दस या पंद्रह हज़ार रुपया कमी यानी कि एक लाख तीस हज़ार से लेके एक लाख चालीस हज़ार रुपये के करीब में आपका अर्ध सरकारी कॉलेज में यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगने वाला है और उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज है उसके बाद देखिए सब के सब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है तो किसी किसी कॉलेज का यहाँ पर जो है फी नहीं बताएगा और यहाँ पर चलिए प्राइवेट कॉलेज एक यहाँ पर ऐसा भी है जिसमें एक लाख साठ हज़ार रुपया के लगभग लगेगा यहाँ देख सकते हैं जो पटना का ही कॉलेज है यहाँ पर देख सकते हैं एसटी कॉलेज जो है और यहाँ चलिए यहाँ आर्यभट्ट मतलब कि आर्यभट्ट में पढ़ता है और देखिए इसका फीस जो है यहाँ देखिए स्क्रीन पर आप लोग को शो करता होगा यहाँ देखिए इस कॉलेज का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो है अस्सी हज़ार रुपया फर्स्ट ईयर का लिख रहा है यानी कि जो है सेमेस्टर क्लियर करने में आपका जो है एक लाख साठ हज़ार रुपया के करीबन इसमें लगने वाला है उसके बाद चलिए चलते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का बात किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं ओमेन ट्रेनिंग कॉलेज नॉर्थ गांधी मैदान यहाँ पर पटना का जो है ये जो है वोमेन्स यानी कि महिला के लिए ये कॉलेज है और इसमें सिर्फ महिला ही इसमें एडमिशन करा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है देखिए यहाँ पर पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और यहाँ वेबसाइट और ईमेल आईडी भी दिया गया है उसके बाद चलिए इसमें बा, फ़ीस का बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर सात हज़ार रुपया दिया गया है यानी कि महिला का बहुत ही कम में यहाँ पर एडमिशन हो रहा है यहाँ पर सात हज़ार यहाँ पर दिया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया ये फर्स्ट ईयर का या सेमेस्टर का है हो सकता है इसमें जो आपका लगभग लगभग पंद्रह से सोलह हज़ार रुपये में महिला का यहाँ पर जो है यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो ये जो है महिला के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर कॉलेज है इसमें आप लोग जाके लगभग इसमें जो है महिला को जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा यानी कि मान लीजिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में ही जो कोर्स होता है वो पूरा हो जाता है उसके बाद चलिए नीचे में चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर यहाँ पर, पर तापिंदू यहाँ पर जो कुछ कॉलेज है और यहाँ देखिए आप लोग को टिक करके दिखा देता हूँ यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देखिए अमाउंट की बात किया जाए तो एक लाख पचास हज़ार के करीबन इसमें भी है ये भी प्राइवेट कॉलेज है तो यानी कि प्राइवेट कॉलेज लगभग आपका डेढ़ लाख में यहाँ पर हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो वही चौदह से पंद्रह हज़ार रुपया में ही यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ही यहाँ पर है पटना में ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पर देख सकते हैं तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें जो है इकहत्तर सौ नब्बे रुपया दिया गया यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो इकहत्तर सौ नब्बे रुपया दिया गया है यानी कि आपको दो साल का लगभग चौदह से पंद्रह हज़ार रुपया लगेगा और आपका स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो इसे मान लीजिए कि इसमें फ्री में ही आपका कोर्स हो जाएगा ये सब जो है गवर्नमेंट कॉलेज का है इसमें से आप लोग जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके बाद चलिए नीचे में लेके आप लोग को चलते हैं देखिए सारा गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पर शो कर रहा है लगभग लगभग छः या सात कॉलेज ही यहाँ पर जो है बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज का है और उसके बाद चलिए यहाँ पर सारी दिया गया है और चलिए बात करते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कितना मार्क्स लाना चाहिए तभी होगा तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें जनरल कैटेगरी का जो जे जनरल कैटेगरी होता है उसका बात किया जाए तो लगभग जो है जनरल कैटेगरी का इस बार से आप लोगों को पता होगा छियासठ हज़ार दो सौ तैंतालीस स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो जनरल कैटेगरी का लगभग अस्सी से पचासी के करीबन में यहाँ पर कटअप जाने वाला है इतना नंबर रहेगा तो आप आँख मुन के आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा आप टेंशन नहीं लीजिए आपका एडमिशन जो है हंड्रेड परसेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एस सी एस टी का बात किया जाए तो एस सी एस टी का लगभग अगर सत्तर से पचहत्तर के भी अंदर में है तो फिर भी उसका एडमिशन कन्फर्म है हो जाएगा उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर जो है यहाँ पर पी एच जो यानी एच पी यानी कि हैंडी कैप जो है यानी कि दिव्यांग लोग हैं उनका जो है लगभग अगर 50 से 60 के करीबन में भी है तो उनका भी यहाँ पर जो है 50 उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में